गाइस हाउ आर यू, कैसे हैं आप? तो आज हम बात करेंगे दोस्तों विंडोज़ 10 के सेटिंग्स, डू और डोंट्स के बारे में। जब भी हम नया विंडोज़ परचेज करते हैं या अपने सिस्टम पे नया विंडोज़ 10 इंस्टॉल करते हैं, तो क्या ऐसे डिफ़ॉल्ट फीचर्स हैं जिसका हमें खास ध्यान रखना चाहिए, और क्या ऐसे फीचर्स हैं जिसको हमें डिसेबल्ड करके रखना चाहिए या इनेबल करके रखना चाहिए, आज इसी के बारे में हम जानेंगे। और कहते हैं आपने सर्च किया है, आपने कुछ और किया है, तो वो सारी चीज़ें आपका जो है कलेक्ट कहीं ना कहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए क्या ऐसी चीज़ें हैं जो विंडोज़ 10 के अंदर हम कर सकते हैं और अपने आप को जो है सिक्योर कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तों आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों सेटिंग्स में जाने के लिए आप जो है अपने स्टार्ट मेनू में जाइए, वहां पे देखिए जो है पावर बटन के ठीक ऊपर जो है आपका सेटिंग्स का ऑप्शन है, आप उसके ऊपर आप सेटिंग पे क्लिक कीजिए तो आप विंडोज सेटिंग्स के अंदर चले जाएंगे, जहां पे आपको सिस्टम, डिवाइस, नेटवर्क, इंटरनेट, पर्सनलाइजेशन, एप्स, अकाउंट्स, टाइम, लैंग्वेज, गेमिंग, इजी टू एक्सेस, प्राइवेसी अपडेट एंड सिक्योरिटी ऑल जो है आपको यहां पे दिख जाएगा। और इसके अंदर आप जा करके कोई भी एक पर्टिकुलर ऑप्शन को सेलेक्ट करके उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसके अंदर देख सकते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान करना चाहिए और तो आपकी प्राइवेसी के लिए सही नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम प्राइवेसी में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि हमें क्या कहते हैं। जनरल में आप देख सकते हैं कि लेट एप्स यूज़ एडवर्टाइजिंग आईडी टू मेक एड्स मोर इंटरेस्टिंग टू यू। तो दोस्तों इसने साफ साफ यहाँ कह रखा है कि आपका जो भी डाटा इनपुट आप करेंगे, वेबसाइट्स के ऊपर इनपुट करेंगे या फिर आप स्पीच के थ्रू या किसी और माध्यम से आप एंटर करते हैं, वो आप डाटा आपका जो है कलेक्ट होकर के आपको एडवर्टाइजमेंट उसके बेसिस पे डिस्प्ले होगा। तो दोस्तों आप यहाँ से टर्न ऑफ टर्न ऑन कर सकते हैं, ये दोस्तों जो है ये ऑन है। जब भी हम वेबसाइट पे सर्च करते हैं, कुछ कंटेंट सर्च करते हैं, तो उसके बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे आपको इनपुट दे सकते हैं, तो आप इसको टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हैं। लेट्स विंडो ट्रैक ऐप लॉन्च टू इम्प्रूव स्टार्ट एंड सर्च, आप इसको भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। लोकेशन की अगर हम इससे आपका जो पर्टिकुलर लोकेशन है वहाँ का, आप अगर इंटरनेट से कनेक्ट हैं तो आपका लोकेशन आइडेंटिटी ले सकता है, वहाँ का उठा सकता है। तो ये सब दोस्तों चेक करना बहुत ज़रूरी है आपके प्राइवेसी के लिए या आप कुछ भी करते हैं। अगर हम कैमरा में जाएं दोस्तों तो हम देखें कि लेट्स ऐप यूज़ माय कैमरा, देखिए यहाँ पे ये फीचर ऑन है, आप इसे चाहे ऑफ़ कर सकते हैं। और अगर नहीं आप स्काइप ही यूज़ करते हैं और डिफरेंट चैटिंग मीडियम यूज़ करते हैं तो आप जो है इसको ऑन रखिए, और यहाँ से आप जिस एप्लीकेशन को एक्सेस देना चाहते हैं आप उसको जो है एक्सेस दे सकते हैं और उसको जो है डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ से मैप्स है, उसको आप जो है एक्सेस नहीं देना चाहते हैं आप मत दीजिए। माइक्रोसॉफ्ट एज है या वन नोट है, फोटोस है, स्काइपी है, जो आप यूज़ करना चाहते हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और जिसको आप एक्सेस नहीं देना चाहते हैं यहाँ से आप टर्न ऑफ कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों माइक्रोफोन है, इसमें भी आपको दिखाएगा कि कौन कौन से ऐसे ऐप्स हैं जो आपका माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसको यहाँ से जो है ऑफ करके रख सकते हैं। अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हैं, आप ऐसे एप्लीकेशंस को आप नहीं यूज़ कर रहे हैं फिर भी उसको एक्सेस है, तो आप उसको ऑफ करके रख सकते हैं। वॉइस रिकॉग्निशन, ट्विटर आप यूज़ नहीं करते हैं, एक्सबॉक्स को आप एक्सेस नहीं देना चाहते हैं, ये सब दोस्तों ये फीचर्स ऐसे हैं जो ये आपके जो डिवाइसेस हैं उसको एक्सेस करते हैं। और इस चीज़ को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि क्या बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस हो सकता है। कभी आपने कुछ खोला हो और एकदम से आपका कैमरा ऑन हो जाए या आपका वॉइस रिकॉग्नाइज हो जाए तो वो जो है प्रॉब्लम सम हो सकता है प्राइवेसी रीजंस को लेकर के, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। उसी तरीके से दोस्तों नोटिफिकेशन, लेट्स ऐप एक्सेस माई नोटिफिकेशन, अब देखिए दोस्तों ये आपको जो भी नोटिफिकेशन मिलता है उसको बहुत सारे ऐप्स अगर आपने इंस्टॉल कर रखे हैं तो उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसके बेसिस पे कुछ एक्शंस ले सकते हैं। तो इसमें आपको देखना है कि कौन कौन से ऐसे ऐप्स हैं, देख लीजिए दोस्तों कि किस किस एप्लीकेशन को आपका अकाउंट इंफॉर्मेशन एक्सेस है, कॉन्टेक्ट लिस्ट आपका एक्सेस है, तो आप उसको जो है ऑफ कर सकते हैं। और जो है लेटर ऑन अगर आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको उसको जो है यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोस्तों प्राइवेसी फीचर्स हैं जो आपके जो है
सिस्टम को आपको थ्रू आउट चेक करना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो ऑन होते हैं, जो कि आपके लिए ट्रबल सम हो सकता है। आपका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और आपको पता नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कभी उसके बेसिस पे आप नहीं भी चाहते हैं तो कुछ ऐसे एड्स या कुछ ऐसी चीज़ें डिस्प्ले हो जाती है। या अगर हम यही बात करें दोस्तों, अगर हम प्राइवेसी की बात अभी हमने की है और अभी हम नेटवर्क सेटिंग्स और इनपुट में जाएंगे, तो हम वहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ जो इनपुट में नेटवर्क सेटिंग्स में अवेलेबल है। तो अगर हम वाईफाई में जाते हैं दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे वाईफाई में आपको दिखाएगा फाइंड पेड प्लान फॉर सजेस्टेड ओपन होस्ट नियर मी। अब ये दोस्तों देखिए, अगर आपके आसपास जो है कोई पेड नेटवर्क है, पेड हॉटस्पॉट है, तो उसके रिगार्डिंग ये बता रहा है, तो हमें ये नहीं चाहिए, हम इसको ऑफ कर देंगे। कनेक्ट टू सजेस्टेड, अब देखिए पेड है तो उसके के थ्रू आपका कनेक्ट हो जाएगा, तो ये भी हमें नहीं चाहिए, तो ये भी हम इसे इसे ऑफ रखेंगे। अब ये देखिए हॉटस्पॉट टू नेटवर्क माइट बी अवेलेबल इन सर्टन पब्लिक प्लेसेस, अब ये भी हमें नहीं चाहिए तो हम इसे भी ऑफ रखेंगे। तो ये ऐसे कुछ फीचर्स है दोस्तों जो आपको ध्यान देना चाहिए, और एट अ टाइम जब आप विंडोज़ नया इंस्टॉल करते हैं और विंडोज़ अब जब नया लेते हैं, उसी वक्त आप कुछ देख करके जो है आपको उसको उस वक्त जो है चेंज कर देना चाहिए, ताकि फर्दर ऑन कोई ऐसा इश्यू ना आए। अब इस तरीके से हम ऐप्स में अगर चेक करेंगे कि क्या क्या ऐसे डिफ़ॉल्ट ऐप्स हैं जो कि स्टार्टअप के टाइम पे हैं या फिर जो है इंस्टॉल्ड हैं, उसको भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हमें यहाँ पे अगर ऐसा लगे कि ये एप्लीकेशन हमें नहीं ज़रूरी है, तो हम आप इजीली जो है यहाँ से क्लिक करके अनइंस्टॉल या मूव कर सकते हैं दोस्तों। जो है रेगुलर चेकअप कर सकते हैं, और डिफ़ॉल्ट ऐप्स में देखिए किस तरीके से जो है एप्लीकेशन इनलिस्टेड है। अगर वेब ब्राउज़र आप चाहें तो आप इसकी जगह आप दूसरा वेब ब्राउज़र भी सेट कर सकते हैं, जैसे फायरफॉक्स है या कोई और क्रोम वेब ब्राउज़र है, वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑफलाइन मैप्स में ऑटोमेटिकली अपडेट मैप्स दिस एंड दैट, तो ये भी आप जो है टर्न ऑन फीचर्स के थ्रू जो है आप इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, तो ये चाहिए। तो ये कुछ ऐसे खास चीज़ें थी दोस्तों जो हमें विंडोज़ में ध्यान देनी चाहिए। और सो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपके अंदर कोई क्वेरी है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप अपनी क्वेरी पुट अप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका सही आंसर दे सकूं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।